जयपुर के जामडोली स्थित केशव विद्यापीठ में राष्ट्रीय सेवा भारती के तीसरे सेवा संगम का आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उद्घाटन करेंगे। 3 दिनों तक चलने वाले सेवा संगम में 45 प्रांतों और 11 क्षेत्रों के 800 से अधिक स्वैच्छिक सेवा संगठनों के 3000 प्रतिनिधि भाग लेंगे। सेवा संगम में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कार्यक्रम में भाग लेने जयपुर पहुंचे, जहां पर क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम और अन्य कार्यकर्ताओं ने मोहन भागवत का स्वागत किया। वो 2010 में बेंगलोर में हुआ। जो दूसरा सेवा संगम था वो 2015 दिल्ली में हुआ और जो तीसरा सेवा संगम था वो 2022 में होना तय हुआ था, सॉरी 20 में, क्योंकि हर 5 वर्ष के बाद में हम एक बार अखिल भारतीय स्तर पे सेवा संगम करते हैं। लेकिन आप सबको जानकारी है कि एक ऐसी आपदा जो पूरे विश्व में आई और जिससे सभी का काम रुका, तो हमारा पूरी तरह से तैयार किया हुआ जो कार्य था सेवा संगम का, वो भी हमें आगे करना पड़ा और ये अब 7, 8 और 9 ऐसा इसका आयोजन हो रहा है। इसकी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और अब ये जयपुर में संपन्न होने जा रहा है।